वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि S3 बकेट को कैसे डिलीट करते हैं। तो ये जो S3 बकेट है, इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स या फाइल्स है, तो इसे कैसे डिलीट करना है हम देखते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। तो ये हम जो डिलीट करने वाले हैं वो AWS CLI थ्रू करेंगे। तो देखो, ये Xpertji नाम का जो बकेट है, Xpertji 3 नाम का बकेट, इसके अंदर ये फाइल्स है। तो अब इसको कैसे डिलीट करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो कमांड प्रॉम्प्ट खोल लीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद AWS S3, आपको क्या करना है, रिमूव बकेट करना है S3, और बकेट का नाम देना है Xpertji 3। तो ये हमारे बकेट का नाम है। तो ये जो बकेट है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, मतलब फाइल्स है, इस वजह से ये डिलीट नहीं होगी अगर आप इस तरीके से करोगे। तो ये बोल देगा ऑपरेशन फेल्ड हो गया है, फाइल डिलीट नहीं हुई। देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, रिमूव बकेट फेल्ड, क्यों? तो बकेट एम्प्टी नहीं है, यानी बकेट के अंदर फाइल्स वगैरह है। तो अगर इस तरीके का बकेट आपको निकालना है जिसके अंदर फाइल और फोल्डर्स है, तो दोस्तों इस तरीके के बकेट निकालने के लिए आपको फोर्स ऑप्शन का यूज करना होगा। AWS S3, उसके बाद रिमूव बकेट S3:Xpertji 3, इसके बाद आपको देना है --force, तभी ये बकेट डिलीट होगा। तो देखो दोस्तों, इसने इसमें जो 3 फाइल्स थे उसको डिलीट कर दिया, और इस बकेट को भी डिलीट कर दिया। अगर हम कंसोल पे जाके रीलोड करोगे तो ये बकेट आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगी। तो देखो, ये बकेट डिलीट हो गई है। तो इस तरीके से दोस्तों हम बकेट को डिलीट करते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आया तो उसे कमेंट में पूछिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।